फ्रेंड्स आज मैं आपको ब्लाउज का मेजरमेंट लेना बताती हूँ, किस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ वो मेजरमेंट किस तरीके से मैं लेती हूँ वो मैं बता रही हूँ। तो अब चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले जो भी कस्टमर हो हमारा, उसे इस तरीके से आप कमर पे हाथ रखवा के खड़ा कर दें। उसके बाद में ऐसे माप लेना है, ये उंगली अंदर रखनी है और यहाँ सबसे पहले यहाँ पर एक माप लेना है, इनका कितना है 38 है। और उसके बाद इसे अपर बस्ट कहते हैं और यहाँ पर एक यहाँ पर आता है, तो इनका यहाँ पहले 38 था 38 और यहाँ पर कितना है इनका 14 इंच है, 14.5 इंच है, तो कितना 2 इंच का फर्क आ गया है। उसके बाद में कमर का मेजरमेंट इस तरीके से टाइट लेना है, ढीला नहीं। इनका कितना है 37 है, टाइट में कभी भी कमर का माप लिया तो टाइट ही ले, ढीला नहीं करे, नहीं तो क्या होगा वो ब्लाउज ढीली बनेगी। आप क्या करेंगे पीछे का माप लेंगे, तो पहले मैं शोल्डर का माप लेती हूँ इस तरीके से, हमको टेप को इस तरीके से तो वहां से हमको मापना है ऐसे, तो इनका कितना है 15 इंच आ रहा है। ओके, अब हमें पूरी लंबाई मापनी है, तो पूरी लंबाई कैसे मापेंगे, यहाँ पर टेप को लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर देखेंगे तो इनका कितना है, ये ब्लाउज आगे चला गया। ओके, तो इसके लिए इनका कितना आ रहा है 13 आ रहा है लगभग, जिस जो हेल्दी महिला रहेगी तो उनका कितना रखेंगे 14 इंच रखेंगे। ओके, तो उनका परफेक्ट आएगा, और जो पतली रहती हैं उनका 13 इंच रखेंगे इस तरीके से। और इनका देखो गला, ये है गला, तो गला कैसे मापेंगे, टेप को यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से यहाँ पर, अब इनका गला कितना है 9 इंच है। ओके, अब ये आगे का देखेंगे, तो आगे का हम गला देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इनका गला कितना है 6.5 इंच है, तो गला हम कितना भी रख सकते हैं, जितना उनको चाहिए उनसे पूछे कि हम कितना गला चाहिए, तो 6.5 इंच भी रख सकते हैं, 7 इंच रख सकते हैं, जितना इन्हें चाहिए। ओके, उसके बाद में अब यहाँ पर ये देखिए हाथ को इस तरीके से रखना है, अब यहाँ पर इसका हाथ लंबाई कितना है 3 इंच है, तो हम कितना जितना हाथ लंबाई रखना है वहां तक टेप को लेके आए और वहीं से राउंड को घुमाए, तो यहाँ पर ये 3 है, तो मैं यहाँ से ही इस तरीके से टेप को घुमा करके देखूंगी तो इनका 16 इंच आ रहा है। ओके, अगर लंबाई ज्यादा चाहिए तो समझिए यहाँ का लंबाई चाहिए। ओके, यहाँ का चाहिए तो यहीं पर हम टेप को इस तरीके से घुमाएंगे, और ये है आर्मोल, तो आर्मोल को किस तरीके से रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से टेप को घुमा करके, ये 17 आ रहा है इनका, और अंगूठे को इस फिंगर को यहाँ पर ही इस तरीके से टेप को पकड़ के हमें घुमाना है। ओके, तो ये मेरा मेजरमेंट लेने का तरीका है, आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।